तो आइए दोस्तों, आज हम आपको नायरा स्टाइल में डिजाइनर कुर्ती बनाना बताएंगे, जो कि बिल्कुल प्लेन कपड़ा होगा। इस तरीके की देखिए कुर्ती होगी, और ये हमने गोटा पट्टी और लेस की मदद से बनाई है। और ये देखिए, ये हमने इसमें अम्ब्रेला बाजू बनाई है इस तरीके से। और ये साइड में देखिए, इस तरीके से ये चाक आएंगे। यहाँ पे हमने डोरी लुप्पी नहीं लगाई है, ये कमर तक ही आपका खुलेगा। आप इसमें पैंट प्लाजो पहन सकते हैं। तो इसको सीखने के लिए दोस्तों वीडियो को में आप बने रहें। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आप सिलाई सीखना चाहते हैं तो हमारा कोर्स एकदम रेडी है, हमने ऐलान कर दिया है। तो आप हमसे जो नंबर दिया गया है स्क्रीन पे, उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और पैटर्न भी हमारे चाहिए तो भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब करते हैं वीडियो को शुरू। तो ये देखिए, ये कपड़ा हमने लिया है, इसमें 3 मीटर कपड़ा है ये। इसकी लंबाई हम रखेंगे 45 इंच, और चेस्ट है इसकी 20 इंच, ये आधा नाप है। और कमर है इसकी 16 इंच, बाजू है इसकी 17 इंच, बाजू की गोलाई मोरी जो है वो 11 इंच है, तीरा 14 इंच है, फ्रंट गला जो है वो 6 इंच, और बैक गला 4 इंच है। इसको हम इस तरीके से अपने सामने रख लेते हैं। अभी देखिए, जो कपड़ा है हमने इस पर अच्छे तरीके से प्रेस लगा ली है। तो देखिए, इस तरीके से ये हमने 3 मीटर कपड़ा लिया है। तो इसमें देखिए, बिल्कुल ये सिंपल कपड़ा है। तो इसको हमें देखिए डिजाइनिंग किस तरीके से करनी है, वो हम आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आप लोग वीडियो में बने रहें। तो देखिए, इस कपड़े को हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको हम इस तरीके से देखिए, हमने डबल में कर रखा है ये इस तरीके से, और ये हमने अच्छे तरीके से प्रेस लगा लिए। आप कभी भी कोई भी चीज़ कटिंग करते हैं तो आपको पहले कपड़ा चेक कर लेना है कि कपड़ा हमारा कहीं से कोई कट या कोई शार्ट वगैरह तो नहीं है। इसमें मैंने पहले ही ऑलरेडी कर रखा है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले हमें करना क्या है, इसके अंदर इसको हमें इस तरीके से रखना है कपड़े को। और ये देखिए, ये हमारे जो कट वाला हिस्सा है, इसको हमने अपने तरफ करके, और ये कट वाला हिस्सा, इसको हमें इस तरीके से ट्राइंगल शेप में इसको फोल्ड कर देना है। देखिए, ऐसे करके, ऐसे करके हम फोल्ड करेंगे इसको, देखिए। और इसको अच्छी तरीके से ऐसे एकदम इसको बिछा लेंगे। देखिए, ये देखिए, इस तरीके से बिछाने के बाद में इसमें जो चोली हम बनाएंगे इसकी ऊपर की, वो बनाएंगे हम 14.5 इंच की। तो हमें देखिए, इसको हमें 15 इंच काटना है। तो इसकी देखिए लंबाई है 45 इंच, और इसकी कमर है 16.5 इंच। तो 16.5 का देखिए हम इस तरीके से निशान लगाएंगे। यहाँ से देखिए, जैसे 16.5 इंच कमर है, तो हम इसका निशान लगाएंगे 17 इंच वैसे। और इस निशान को इस तरीके से लगाने के बाद में देखिए, यहाँ से इसको कर देंगे गुलाई, ये आ गई 12 इंच। तो इस तरीके से जब आप गुलाई करेंगे तो करीब आधा से 1.25 इंच ये और बढ़ जाएगा। ये देखिए, ऐसे करके अभी देखिए इसको इस तरीके से नापेंगे, तो ये हमारा आ गया 18.5 इंच। और 16.5 इंच है तो हमारा मार्जिन भी एकदम अच्छी तरीके से आ जाएगा। अभी देखिए, 14.5 इंच हमें रखना है, तो 14 इंच का एक निशान लगाएंगे हम यहाँ से ऐसे करके। और ये देखिए, ये 45 इंच जो है हमारी बिल्कुल कन्नी तक आ रहा है इस तरीके से, तो हमें इसमें जोड़ भी नहीं लगाना पड़ेगा। अब इस तरीके से इसको देखिए, हमें ऐसे रखना है, और यहाँ से देखिए पकड़ना ही आ रहा है हमारा 43 इंच। इसको हमें यहाँ पे 43 इंच ऐसे करना है, और इसको घुमा देना है पूरा ऐसे करके। ये देखिए, तो इस तरीके से ये सारे निशान जो है इस तरीके से डार्क कर लेने, और डार्क करने के बाद में इसको हम यहाँ से काट लेंगे, और यहाँ से भी काट लेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, इसको हमने देखिए इस तरीके से यहाँ से ये काट लिया है, और ये नीचे से जो हमने निशान लगाया था बराबर इसको काट दिया है। अब इसको हम कर देते हैं फोल्ड। अब हमें इसके ऊपर की चोली काटनी है, तो उसको बिछा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने कपड़ा इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। ये कन्नी वाला हिस्सा है, ये डबल कपड़ा है, और इधर बंद वाला हिस्सा है। तो इसको हमने डबल करके ऐसे फोल्ड कर लिया है। अब फोल्ड करने के बाद में देखिए, हमें एक निशान लगाना है यहाँ पे 1/2 इंच का ऐसे करके, और यहाँ पे 1/2 इंच। इस निशान को इस निशान से हम ऐसे करके सीधा कर लेंगे, ये हमारा हो जाएगा नीचे का मार्जिन। ये देखिए ऐसे करके, अब हमने इसकी चोली की लेंथ जो रखनी है वो 14.5 इंच रखनी है। तो यहाँ से हमें लेना है 15 इंच, क्योंकि ऊपर चाहिए हमें 1/2 इंच मार्जिन। और आर्म होल लेंथ हम अपने हिसाब से रख लेते हैं, जैसे हमने इसमें रखी है 7.5 इंच, आप अपने साइज के हिसाब से रख लेंगे। ये वाला निशान ऐसे करके सीधा कर लेंगे, और ये निशान ऐसे कर लेंगे। अब 14 इंच तीरा है, तो देखिए 14 इंच का हम 14 ही काटेंगे, क्योंकि 4 इंच गला इसका डीप है बैक से। और 3 इंच करेंगे हम इसको ब्रॉड, और नीचे की साइड में हम यहाँ पे रखेंगे 6.5 इंच। 20 का आधा हो जाएगा हमारा 10 इंच, और 16.5 का आधा हो जाएगा हमारा 8.25 इंच। ये वाला निशान हम इसको देखिए इस तरीके से सीधा कर लेंगे, और यहाँ से 1/2 इंच इसको डाउन कर देंगे, और ये 6/40 से हम इसको यहाँ से ऐसे करके ये निशान लगा देंगे।
और ये लगाने के बाद में देखिए ये हम कर देंगे इसकी फ्रंट की गुलाई, और फ्रंट की गुलाई करने के बाद में जैसे हमारा 14 इंच तीरा है हम यहाँ पर रखेंगे 15 इंच इस तरीके से। ये हो जाएगी हमारी बैग, इसकी गुलाई हम इस तरीके से कर देंगे। तो देखिए हम यहाँ से इसको इस तरीके से काटेंगे, पहले हम ये बैग वाला पल्ला काटेंगे, मार्जिन देंगे, उसके बाद में एक पल्ला निकाल के फिर हम फ्रंट काटेंगे। तो फ्रंट किस तरीके से काटेंगे वो हम आपको बता देंगे। तो हम पहले ये इस तरीके से कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए ये इस तरीके से हमने ये दोनों पल्ले काट लिए। अब इस एक कट लगाएंगे हम यहाँ पे इस तरीके से, और ये हम काटेंगे यहाँ पे लगाएंगे एक निशान नीचे कमर का और ये गला ब्रॉड का, इस तरीके से हमारे निशान लग जाएंगे। हम एक पल्ले को इस तरीके से उठाएंगे और ये बैग वाला पल्ला है इसको हम एक साइड से रख देंगे। और देखिए फ्रंट वाले पल्ले को हम इस तरीके से ऐसे करके रख के, और यहाँ से हमें इस तरीके से देखिए काट लेना है ये। तो ये देखिए ये हमारा फ्रंट का पल्ला भी इस तरीके से कट गया। अब हमें काटनी है इसकी बाजू। तो बाजू के लिए देखिए हमने इसमें बाजू है अम्ब्रेला बनानी है। तो ये जो है ओरेप वाला पल्ला हम यहाँ से निकालेंगे। सबसे पहले हमें ये जो कपड़ा बचा हुआ है इसमें से यहाँ से निकालनी है हमें ऊपर वाली बाजू। तो इसको बिछा लेते हैं फिर दिखाते हैं। तो ये देखिए ये हमने कपड़ा इस तरीके से बिछा के जैसे नॉर्मल सब में बाजू काटते हैं उसी तरीके से हमने ये सारे निशान लगा लिए हैं। जैसे हमने इसकी ये आर्मोल का ये निशान लगाया है 7.5 इंच का, और यहाँ से जो है हमने 3.5 इंच डाउन कराया, और इसकी लंबाई जो है वो 17 इंच है। तो इसमें 5 इंच की हम फिर लगाएंगे, तो हमने ये काटी है 13 इंच, तो आधा इंच इधर दब जाएगी आधा इंच इधर दब जाएगी, तो ये रह जाएगी हमारी 12 इंच तैयार। अब ये देखिए हम इसको इस तरीके से यहाँ से गुलाई करेंगे, क्योंकि ये बाजू भी वैसे ही नॉर्मल जो कटती है उसी तरीके से काटना पड़ती है। ये देखिए इस तरीके से ये सारे कट लगा लिए हमने, और उसके बाद में इसको इस तरीके से खोलेंगे ऐसे, और जो हमें इसका क्रॉस काटना होता है फ्रंट का उसको हम काट लेंगे ऐसे करके। और ये क्रॉस काटने के बाद में देखिए अब हमने जो ये कपड़ा बचा है इसमें से, क्योंकि ये देखिए ये साइड से जो है जैसे ये करनी है तो ये ओरेप वाला कपड़ा आ जाता है, इसको देखिए हम इस तरीके से बराबर करके रखेंगे। और बराबर रखने के बाद में जैसे कि हमारी बाजू की मोरी है 11 इंच, तो हम यहाँ पे इस तरीके से निशान लगाएंगे ऐसे 12 इंच का, इसको यहाँ से इस तरीके से गुलाई देंगे। यहाँ पे जो हमने ये निशान लगाया यहाँ से तकरीबन 1 इंच इसको ऊपर कर देंगे ऐसे करके, और हम यहाँ पे इसकी 6 इंच लेंथ काटेंगे ऐसे करके, क्योंकि इसमें हमें मार्जिन भी चाहिए। ये देखिए इस तरीके से अब ये हो गया हमारा। तो यहाँ से हम काट लेंगे इसको और ये नीचे से काट लेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों ये हमारी पूरी कुर्ती की कटिंग हो गई है। तो इस तरीके से देखिए ये हमारा फ्रंट है, और ये बैक है, और ये बाजू, और ये इसके नीचे की देखिए इस तरीके से ये अम्ब्रेला आएगी, और ये नीचे का घेरा है। तो देखिए सबसे पहले हम घेरे को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसको हम इस तरीके से रख देंगे, ठीक है। ये हमारी बाजू, बाजू को इस तरीके से बाजू में रखेंगे। अब ये देखिए जो हमारा ये फ्रंट है ये, और ये बैक, बैक को अभी हम हटा देते हैं एक साइड से। अब जैसे ये हमारा फ्रंट है इसको इस तरीके से हमें एक यहाँ पे सेंटर का निशान लगा लेना है, या तो प्रेस से क्रीज बना लेनी है इस तरीके से, क्योंकि हमारी प्रेस गर्म है। तो ये हमारा सेंटर का हो गया, ये देखिए इस तरीके से, या तो आप चाक से निशान लगा लें। अब ये देखिए इसमें हमें जैसे ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें हमें डिजाइनिंग करनी क्या है, तो हमने एक पैच इस पे लगाना है। तो पैच देखिए जैसे हमने ये पेपर पेस्टिंग इस तरीके से लिए और इसको हमने कपड़े पे इस तरीके से चिपका लिया है। इसकी लंबाई जो है ये देखिए ये है 12.5 इंच, मतलब 12 इंच के करीब है, क्योंकि इसका गला जो है वो 6 इंच है। तो ये इतना हमारा बच जाएगा आराम से। अगर गला आपका डीप 8 या 9 है तो इसको और बढ़ा लेंगे। अब ये इसकी 12 इंच लंबाई है और 11 इंच इसकी चौड़ाई है। इस तरीके से हमें इसमें देखिए इस तरीके से फोल्ड करके, और एक निशान हमें और लगा लेना है, वो निशान लगाएंगे हम इसके गले ब्रॉड का इस तरीके से 3 इंच, और ये गला डीप हमारा आ जाएगा 6 इंच। तो ये हमारा हो जाएगा इस तरीके से गोल गला हम इसमें बनाएंगे। इसको पहले लगाना है तो पहले लगा लें, और अगर बाद में लगाना है तो बाद में भी लगा लें। इस तरीके से हमारा ये गला हो जाएगा। और ये देखिए ये हमने इस तरीके से इस पर एक लैस
जो ये देखिए ये वाली लेस आती है इस तरीके से, हमें ये लगानी है इसमें यहाँ पे ऐसे करके, इसी तरीके से ये सब में लगा के इसका हमें बिल्कुल एकदम बॉक्स बना लेना है, और उसके बाद में एक लेस हम ये वाली यूज करेंगे। तो अब चलते हैं दोस्तों हम मशीन पर। तो ये देखिए दोस्तों, इसको हमें ऐसे करके लेना है, और इसको देखिए इस तरीके से हमें एक सिलाई लगानी है इसके बीच में इस तरीके से, और ये लगाने के बाद में इसको हमें यहाँ से काट देना है ऐसे, और ये लेस भी काट देंगे। अब ये वाली लेस हम यहाँ से लेंगे, और इस तरीके से देखिए इसको भी हम ऐसे करके लगाएंगे। तो ये देखिए जैसे हमने ये वाली लेस लगाई है, इसी तरीके से ये सारी लेसें हम इधर लगा लेंगे, फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने सारी इस तरीके से ये गोटा पट्टी लगा ली है। अब देखिए दूसरी साइड से हमें इस तरीके से लेना है, और इसको देखिए ऐसे करके रखना है, ये देखिए ऐसे करके। ये देखिए जैसे ये लगाई है हमने, इसी तरीके से ये पूरी लगा लेंगे, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये इस तरीके से हमने इस पे गोटा पट्टी लगा ली है। अभी गोटा पट्टी लगाने के बाद में देखिए जितनी ये एक्स्ट्रा इधर हो गई है, इसको हम निकाल देते हैं ऐसे करके कैंची से काट के। ये देखिए इस तरीके से इसको हम कैंची से काट के निकाल दिए। अब एक हमें लैस लेनी है, ये समोसे वाली। देखिए समोसे वाली जो लैस है, इसको भी हमने इस पे लगाना है, देखिए ऐसे करके। जैसे ये है उल्टी लैस हमारी, ठीक है, तो हमने इसको इसी तरीके से उल्टी ही रखनी है। जितना हमारा समोसा है, जितनी हमें लैस दिखानी है, इतनी ही इसको सिलाई लगा लेनी है, देखिए ऐसे करके। तो ये इसी तरीके से इसके चारों तरफ ये वाली लैस लगा लूँगा, और उसके बाद प्रेस से फोल्ड करके फिर आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने ये प्रेस इस तरीके से थी, इसको हमने प्रेस से ऐसे करके फोल्ड कर लिया, ये देखिए ऐसे करके। और फोल्ड करने के बाद में ये देखिए इसकी कुछ इस तरीके से लुक आएगी। अब ये देखिए हमने ये एक गले का पूरा ये प्रॉपर निशान लगा लिया है। तो हमें इसमें देखिए करना क्या है कि ये जो हमारा फ्रंट वाला हिस्सा है, इसको हमें इस तरीके से उल्टी तरफ से इसको रखना है, उल्टी तरफ से इस तरीके से रख के। और ये देखिए हमारे दोनों कट आ रहे हैं, इन कट से हमें इसको ऐसे करके रख के, और ये सिलाई लगानी है जहाँ पर हमने ये निशान लगाया है इस तरीके से। बिल्कुल यहाँ से इस तरीके से घुमा के पूरी सिलाई लगा लेंगे, और उसके बाद इसको काटेंगे एक पैर के मार्जिन से। अब एक सिलाई हम लगाएंगे इस वाले कपड़े पे ऐसे करके हम ये सिलाई लगाएंगे पूरी यहाँ पे। देखिए जैसे ये हमने अब ये पूरी सिलाई लगा ली, अब इसको हम अच्छी तरीके से ऐसे प्रेस से इसको फोल्ड करके फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमने प्रेस अच्छी तरीके से लगा ली, और एक सिलाई मैंने इस पे बिल्कुल लपकी लगा दी है किनार की। अब ये देखिए दूसरी सिलाई जो है, हमें देखिए यहाँ पे इस तरीके से इसको बराबर करना है ऐसे, और इस पे हमें सिलाई लगानी है। और जब ये सिलाई लगाएंगे तो ये नीचे वाला जो कपड़ा होता है, इसको हमें खींच के रखना है, क्योंकि इसको अगर हल्के हाथ से छोड़ देते हैं तो हल्का सा नम आ जाता है। तो इस तरीके से खींच के रखेंगे और पीछे हाथ रख लेंगे। ये देखिए ये इस तरीके से ये पूरी ये सिलाई लग गई। अब देखिए यहाँ पे कहीं कोई झोल नहीं है, कोई नम नहीं है। अगर हल्का सा हमने खींच लिया तो एकदम बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बैठ गया। अब ये देखिए हमारा ये फ्रंट का गला तो बिल्कुल एकदम रेडी हो गया है। अब हमें इसकी बैक लेनी है, और बैक का गला है 4 इंच, तो 4 इंच हम गला काट लेंगे और फालिस पट्टी लगा के फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने फालिस पट्टी इस तरीके से बैक में लगा ली है। अब लगाने के बाद में देखिए हमें इसकी इस तरीके से कंधी ज्वाइंट करनी है। तो ये बैक हमें इस तरीके से सीधी रखनी है, और इसके ऊपर हमें ये रखना है फ्रेंड इस तरीके से उल्टा, और इसको देखिए इस तरीके से बराबर से यहाँ से मिला लेंगे, और इसको पकड़ेंगे यहाँ से, और यहाँ पे करेंगे सिलाई पक्की, और यहाँ पे भी कर देंगे पक्की। अब इसी तरीके से सेम हमें यहाँ पे भी सिलाई लगा लेनी है।
यहाँ पे कर लेंगे हम इंटरलॉक, और अब ये जो साइड की सिलाई है इसको हम अभी नहीं लगाएंगे, इसको एक साइड से हम पहले उठा के रख देते हैं। अब जो हमने नीचे का घेरा जो इसका है, इस घेरे को लेंगे, देखिए जैसे ये घेरा है इसमें हमें लगानी है लैस, तो हम इसको पहले खोल लेते हैं अच्छी तरीके से, फिर आपको बताते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से इसको हमें खोल लेना है, और खोलने के बाद में हमें इसको फोल्ड करना है। यहाँ से देखिए ये हमारी कमर है यहाँ से, तो इसको नाप लेंगे एक बार, जैसे इस तरीके से जो हमारी कमर जितनी भी तैयार है, जैसे 16.5 है, तो इस तरीके से हमें ये निशान लगा लें या एक अंदाज़ा ले लें, और इस तरीके से इसको फोल्ड करें ऐसे करके, और ये देखिए ऐसे करके सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, इसको इस तरीके से हम ऐसे ऐसे फोल्ड करके और इसको पकड़, अभी देखिए इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद में हमें यहाँ पे इस तरीके से सीधा कर लेना है, इसको पलट देना बिल्कुल, जैसे हमने इधर से ये सिलाई लगाई है इसको इस तरीके से पलट देंगे। अब ये पलटने के बाद में देखिए, जो गोटा पट्टी हमने लगाई थी, अब इसको हम इतना, जितनी हमारी गोटा पट्टी है इतनी हम इस साइड में छोड़ेंगे ताकि हमारी ये पाइपिंग नज़र आए। इस तरीके से ये पूरी लगाएंगे, जैसे ऐसे करके रख के हम इसका धागा चेंज कर लेते हैं, फिर इस तरीके से लगा के फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये इस तरीके से हमने बिल्कुल जैसे पाइपिंग नज़र आती है उस तरीके से छोड़ के हमने ये नीचे घेरे में भी, और ये इस तरीके से हमने तीनों साइड में ये गोटा पट्टी लगा ली है। अब ये एक जो बारीक गोटा पट्टी है, तो इसको देखिए अब ये इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आ रही है, तो हम इसमें देखिए एक आधा इंच का इस तरीके से गैप देंगे ऐसे करके, और एक और गोटा पट्टी हम यहाँ पर देखिए इस तरीके से लगाएंगे, जिससे कि हमारा लगेगा कि ये थोड़ी चौड़ा हो जाएगा ना, तो अच्छी लुक आएगी इसकी। तो इस तरीके से हमें ये लगाना है, देखिए। ये देखिए, ये इस तरीके से ये लगाएंगे, इसी तरीके से इस साइड में भी लगा के और दूसरे वाले में पल्ले में लगा के फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से ये मैंने लैस लगा लिए गोटा पट्टी वाली, देखिए ये पूरे घेरे में लगाई है, और ये चाक में अपनी आ गई है। और इसी तरीके से सेम मैंने ये देखिए बाजू में इस तरीके से यहाँ पे घेरे पे लगा के, और ये वाली कंगूरे वाली यहाँ पे लगा ली है। अब ये देखिए, जैसे हमने ये लगा ली, अब ये जो हमने इसकी चोली जो बना रखी थी इसको हमें लेना है देखिए इस तरीके से, और लेने के बाद में देखिए हमने जो ये कट लगाए यहाँ से और ये वाला कट, इसको देखिए इस तरीके से रखेंगे उल्टा करके, ये रहेगा सीधा वाला हिस्सा और ये रहेगा उल्टा। इसको देखिए इस कट से हमें यहाँ पे इस तरीके से सिलाई लगानी है आधा इंच, जो हमने मार्जिन रखा था, और यहाँ पे इस तरीके से कर देंगे इसको पक्का, और इसको हल्का सा हमें खींच के रखना है, और इसको हल्का सा नम करके रखना है, मतलब थोड़ा सा लूज छोड़ना है ये, क्योंकि ये और होता है अगर खींचेंगे तो ये बढ़ जाएगा। अब ये देखिए ये वाला कट है, इसको हमने इस तरीके से ऐसे करके देखिए सिलाई ये लगा लेनी है, और यहाँ पे भी कर देना है ये सिलाई को पक्की। अभी देखिए जैसे ये हमारी ये सिलाई लग गई, इसी तरीके से सेम हम ये दूसरे वाले पल्ले में भी लगा लेंगे सिलाई, और उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये इस तरीके से मैंने दोनों पल्ले जोड़ने के बाद में, और ये इंटरलॉक यहाँ पर भी कर लिया है, और ये कंधे पर भी कर लिया है। देखिए अब हमें क्या करना है, अब हमें इसकी साइड की सिलाई लगानी है, तो यहाँ से हमें देखिए इस तरीके से पकड़ना है बराबर ऐसे करके, ये देखिए ये वाला जो कट है इससे भी मिला लेना है, और ये सिलाई लगा दी हमें इस तरीके से। और यहाँ पे हमें कर देना है ये इस तरीके से पक्का। अब ये देखिए मेरा धागा जो है ख़त्म हो गया है, तो हमें सेम इसी तरीके से यहाँ पे सिलाई लगा के पक्की कर लेनी है, इसी तरीके से सेम इस साइड में भी करनी है, फिर बाजू किस तरीके से चढ़ाएंगे वो आपको दिखा। ये देखिए ये मैंने दोनों सिलाइयाँ लगा ली हैं, अब हम ये बाजू लेंगे देखिए इस तरीके से, और बाजू देखिए ये मोरी हमें पूरी रखनी है इस तरीके से, हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है ऐसे करके, और जो ये निशान लगा रखा है हमने इसी पे ही इसको लगाना है इस तरीके से देखिए। अभी देखिए ये सिलाई लग गई, अब हम इसको सीधा कर लेंगे ऐसे करके,
और अब इसको जैसे नॉर्मल हम चढ़ाते हैं बाजू को वैसे चढ़ा देंगे और उसके बाद आपको फाइनल लुक दिखाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये है इसकी फाइनल लुक। इस तरीके से आप अपनी प्लेन कपड़े में और डिजाइनर नायरा कुर्ती बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे कोई चुन्नट नहीं है, कोई प्लेट नहीं है, इस तरीके से अम्ब्रेला है ये नीचे से, और घेरा आपका पूरा आएगा इस तरीके से। देखिए अच्छी तरीके से मैं आपको पीछे से दिखाऊं, जब आप पहनेंगे ना तो पहनने के बाद में इसका कुछ इस तरीके से लुक आएगा। और यहाँ पे देखिए हमने क्या है, यहाँ पे जो डोरी लगाते हैं ना, हमने इसमें डोरी भी नहीं लगाई है, क्योंकि आजकल जो चाक जो चल रहे हैं ना वो कमर के पास से चल रहे हैं, तो आप इस तरीके से अपना बना सकते हैं। और ये बाजू भी देखिए डिजाइन, और ये गला देखिए, बिल्कुल सिंपल कपड़े में से बहुत बेहतरीन डिजाइन वाली कुर्ती आप इस तरीके से नेहरा स्टाइल में बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों अगर आपको किसी तरीके की कोई डिजाइन बनवाना है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।